बासी दिशाने के मुआजिज दोस्तों, पार्लियामेंट हाउस में आयन पाकिस्तान की गोल्डन जुबली तकरीब से खिताब में वजीर आलम शहबाज शरीफ ने कहा कि आयन आज भी जिंदा है। आज से एक साल की अपोजिशन ने पाकिस्तान को मुश्किल हालात से बचाने की कोशिश की और आयन का सहारा लिया। शहबाज शरीफ के मुताबिक हमें अंदाजा ही नहीं था कि हालात इतने मुश्किल हैं। एक साहब ने मुबारकबाद दी कि ये इतिहादी हुकूमत एक माह से ज्यादा नहीं चल सकती थी, लेकिन आपने कमाल कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि आज इस इतिहादी हुकूमत को एक साल हो गया है। तमाम जमातों ने अपने अपने मंशूर के मुताबिक इलेक्शन में जाना है, लेकिन जब तय कर लें कि मिलकर चलना है तो बड़े बड़े मसाइल हल हो जाते हैं। पाकिस्तान के ऐवान बाला ने तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक दिन कराने की किरारदाद मंजूर कर ली। किरारदाद के मुताबिक मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। आयन के तहत तमाम असम्बलियों के इंतखाबात निगरान सेटअप में इकट्ठे हों। किरारदाद के मुताबिक पंजाब में अलहदा वजीर इंतखाबात आम इंतखाबात के आउटकम को मुतासर करेगा। इससे वफाक में छोटे सूबों का किरदार मुतासर होगा, इसलिए कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात एक रोज कराएं। किरारदाद के मुताबिक सियासी क्यादत और शराकत दारी की जिम्मेदारी है कि बाहमी मुशावरत से जितनी जल्दी हो इलेक्शन तारीख का ऐलान किया जाए। जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा कि हमें आयन पाकिस्तान की अहमियत को पहचानना चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए। आयन पाकिस्तान के 50 साल मुकम्मल होने पर कौमी असम्बली के खसूसी इजलास में मुनअक्कदा कन्वेंशन में गुफ्तगू करते हुए जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा कि मैं यहाँ कोई सियासी तकरीर करने नहीं आया, बल्कि मैं अपने और अपने इदारे की तरफ से कहना चाहता हूं कि हम आयन के साथ खड़े हैं। अल्लाह के साए के बाद इस किताब का साया हमारे सर पर है। उन्होंने कहा कि हमें आयन पाकिस्तान की अहमियत को पहचानना चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए। उन्होंने ऐवान को मुखातिब करते हुए कहा कि आप सबका सियासी मैदान है, लेकिन मैं कानूनी नुक्ते नजर से चीजों को देखता हूँ। आप हम पर तबसरे और तनकीद कर सकते हैं, हमने तनकीद सुनी भी है। उन्होंने कहा कि अदलिया और पार्लियामान का वजूद और मकसद लोगों की खिदमत करना होनी चाहिए। हमारा काम यह है कि आयन और कानून के मुताबिक जल्द फैसले करें। आपका काम है कि ऐसे कानून बने जो लोगों के लिए बेहतर हों। उन्होंने कहा कि आज यहाँ ऐवान में बहुत सी सियासी बातें भी हुई। मैं वजाहत करना चाहता हूँ कि इसका ये मतलब नहीं कि मैं आज यहाँ होने वाली तमाम बातों से इत्तेफाक करता हूँ। आज आयन की गोल्डन जुबली थी, मैं सिर्फ इसके जश्न में शिरकत के लिए आया हूँ। उनका कहना था कि कैदी आजम इलामा इकबाल और उनके साथियों ने एक ख्वाब देखा और फिर एक तहरीक चली जिसने दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क बनाया। उनका कहना था कि बदकिस्मती से आज पाकिस्तान अपना वो मकाम खो चुका है और इंडोनेशिया को ये मकाम हासिल है। ऐवान में खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि हमें अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने ऐवान से सवाल किया कि अगर माजी में हो जाएं और मौलवी तमीज़ुद्दीन के मुकदमों को देखें तो उस वक्त के जजेज ने जिस दस्तूर साज असम्बली को बहाल किया, तो मैं बतौर कानून दान और कानून के तालिब इल्म के ये सवाल करता हूँ कि क्या पाकिस्तान दो टुकड़ों में होता। उनका कहना था कि आयन को 50 वर्ष हो गए हैं, हमें इसको अपने दिल से लगाना चाहिए क्योंकि इसमें आवाम के बुनियादी हकों का तज़किरा है। उन्होंने कहा कि आयन को अपने स्कूलों में पढ़ाना चाहिए। जब बचपन से ही हम आयन और वोट की अहमियत को समझेंगे तो माशरे में बहुत बेहतरी होगी। उनका कहना था कि पाकिस्तान के आयन में बहुत सी ऐसी अच्छी चीज़ें हैं जो दीगर ममालिक में नहीं है, जिसमें मालूमात की रसाई का हक है। उन्होंने कहा कि मैं एक बार दो बार ये वाजे करना चाहता हूँ कि ईवान में होने वाली सियासी बातों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है और मैं और मेरा इदारा आयन का मुहाफिज है।